इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन यानी कि इल्वा के चुनाव में बाजी सहयोग पैनल के हाथ आ चुकी है। मतदाताओं ने सहयोग पैनल पर सर्वाधिक विश्वास जताया है। इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन के इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में मुख्य मुकाबला जय हिंद पैनल और सहयोग पैनल के बीच रहा। दोनों ही पैनल ने अंतिम समय तक जमकर जोर आजमाइश की, लेकिन नतीजे सहयोग पैनल के पक्ष में ज्यादा रहे। वहीं जय हिंद पैनल के द्वारा लगाए गए तमाम दावे निराधार ही रहे, क्योंकि मतदाताओं ने वे सब नकार दिए। सहयोग पैनल की ओर से अध्यक्ष पद के लिए इसहाक चौधरी और जय हिंद पैनल की ओर से आमिर इंजीनियर वाला पूरी ताकत से मैदान में उतरे थे, लेकिन मतदाताओं का फैसला पहले से दिखाई नहीं दे रहा था। मतदान के बाद रात्रि 1 बजे तक मतगणना का दौर चलता रहा और आखिर में मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। घोषित नतीजों के अनुसार सहयोग पैनल से कार्यकारिणी में 5 सदस्य चुने गए, वहीं ट्रस्ट के 3 पदों में से 2 पद सहयोग पैनल के खाते में आए हैं। वहीं जय हिंद पैनल के 6 सदस्यों ने जीत दर्ज की। ट्रस्ट के 3 पदों में सहयोग पैनल से शब्बीर हुसैन और प्रदीप गुप्ता के अलावा जय हिंद से आसिफ नागौरी जीते हैं। जय हिंद पैनल में जिन लोगों ने जीत दर्ज की उनमें निजाम भाई चौधरी, जोएब अली मोहवाला, नारायण मंत्री, देवेंद्र सिंह छाबड़ा, मुकेश खंडेलवाल और नंद किशोर पंचोली शामिल है। वहीं सहयोग पैनल से हरबंस लाल अरोरा, सुरेश मोहता, शैलेंद्र सोनी, दिलीप मुणत, इकबाल हुसैन, चंपू के नाम शामिल है। कुल 766 लोहा व्यापारी मतदाता सूची में थे, इनमें से 661 ने वोट डाले थे। ऐतिहासिक दिन है, असत्य पर सत्य की विजय हुई है। आज इंदौर लोहा व्यापारी संघ के ऐतिहासिक चुनाव में इसहाक भाई चौधरी भारी अंतर से विजयी हुए हैं और हमेशा गलत आरोप लगाने वाले, हमेशा गलत कागज बनाने वाले, संस्था में डाका डाल के कागज चोरी करने वाले अमीर भाई इंजीनियरिंग वालों को बहुत बड़े अंतर से इसहाक भाई चौधरी ने पराजित किया है। तो लोहा व्यापारी एसोसिएशन की प्रतिष्ठित संस्था इलवा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस वक्त रात्रि के लगभग 1 बज रहे हैं और हम आप तक चुनाव परिणाम पहुंचाने के लिए बिल्कुल बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जो चुनाव परिणाम आप तक पहुंच चुके हैं और हमारे साथ इलवा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष इसहाक चौधरी जी मौजूद है। हम उसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है और आगे उनकी क्या योजना है। इसहाक भाई, सबसे पहले आपको बधाई हो और आपकी जीत का मुख्य राज क्या है? मेरी जीत का मुख्य राज मेरी संस्था के जितने व्यापारी गण हैं और मेरी पैनल, वो मुख्य जीत का कारण है। मेरी निश्चित ये जो जीत मेरी मिली है, एक लोगों का प्रेम था जो काफ़ी समय से उमड़ रहा था और आज उन्होंने साबित करके बताया और निश्चित उनकी कसौटी में मैं खरा उतरूँ इस संस्था के लेवल पे, ये मेरा एक धैर्य है। अच्छा, जीत के बाद अब क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, किस प्रकार की योजना रहेगी और कार्यशैली किस प्रकार की रहेगी? निश्चित है, सब चीज़ हम समय पे बैठ के मीटिंग में डिसाइड करेंगे, वो आगे बताया जाएगा। निर्वाचित अध्यक्ष पूरी तरह से जोश में है और नई कार्यकारिणी के साथ अब फिर उमंग और जोश के साथ पूरा कार्य करेंगे और कई प्रकार की जो चुनौतियां उनके सामने है उसका भी मुकाबला करेंगे। कैमरा पर्सन अली के साथ राजेश पिपलोदिया, दोपहर न्यूज, इंदौर। जीत का सहरा इसहाक चौधरी के सिर बंध गया और उन्होंने एक बार फिर पूरी ताकत से नया अभियान छेड़ने की बात कही है।